नमस्कार, घटनाचक्र में आप सबका स्वागत है। सूरीनाम एक बहुत छोटा सा देश है, 4 लाख की आबादी है और बिहार जितना बड़ा देश है, लेकिन बिहार नहीं है, सौभाग्य यही है। वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और तमाम दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ से आगाज़ हुआ कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना चाहिए और UNO में हिंदी का बोलबाला होना चाहिए। बहरहाल ये तो मुख्य लक्ष्य है और एक सरकारी एजेंडे की तरह से ये बात है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज घटनाचक्र में कि एक छोटे से कैरेबियन देश में विश्व हिंदी सम्मेलन कैसा हुआ, कौन लोग इकट्ठे हुए, उनका क्या मंतव्य था, सूरीनाम की क्या फीलिंग है, सूरीनाम के लोग हिंदी के प्रति कितने आकर्षित हैं और ख़ास तौर से आज जबकि ज़माना ये है कि हम लोग आपस में आधा घंटा लगातार बिना कोई अंग्रेज़ी का शब्द इस्तेमाल किए बिना बातचीत हिंदी में शायद नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हिंदी की सार्थकता के बारे में और बात करेंगे और ख़ास तौर से विश्व मानचित्र पर हिंदी कैसे पुरजोर तरीके से प्रसारित हो, उसकी क्या योजना बनी है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत में शामिल है, मैं आपका परिचय करा दूं, सूरीनाम के सम्मेलन में जो लोग गए उनमें शंभुनाथ सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान अखबार के। शंभुनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, संपादक महीप सिंह जी हैं, जो कि सूरीनाम से इस सम्मेलन से लौट करके आए हैं। महीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में चित्रा मुद्गल जी हैं, जो कि वरिष्ठ लेखिका हैं, और चित्रा जी, आपका भी स्वागत है। चित्रा जी, आपको आपत्ति थी, मैंने हालांकि टाइटल बदल दिया है कि सूरीनाम से लौटे हिंदी के सैलानी। आप मुझे बताएं कि सम्मेलन का पहला इंप्रेशन आपका क्या है विश्व हिंदी सम्मेलन को? मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें, उसके बाद हम बाकी मुद्दों की विवेचना करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात अगर की जाए तो मुझे ये लगता है कि हिंदी के विकास को लेकर के जिस तरह की चिंता, चिंतन, मनन मुझे वहाँ नज़र आया, विश्व भर के भारत मूल के हिंदी विद्वान ही नहीं, हिंदी तरभाषी विद्वान, विदेशी मूल के हिंदी विद्वान, उसके साथ साथ भारतवंशी मूल के हिंदी विद्वान, यानी उज्बेकिस्तान से अगर आजाद सगातो आए तो एनिमोतो फ्रांस से आई, बल्गेरिया से जो है वो बायनोवा आई, तो प्रोफेसर विस्की पोलैंड से आए, दानुता स्तासिक भी आई। तो इस तरह से ये देखा गया कि जो भी विद्वान विश्व भर से हिंदी के लिए आए और उनके अंदर जो उत्साह था और जिस तरह की चिंता थी कि हिंदी जैसी भाषा जो 60 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, अब तक जिसे जहां होना चाहिए था वो वहां क्यों नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये चिंता करना और उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लेना, जो 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार जो नागपुर में भारत में आयोजित हुआ था जी, जी। और उसके बाद वो 6 बार हो चुका है, पिछला लंदन में हुआ था और अभी 7वां सूरीनाम में, तो ये चिंता जो है, ये चिंतन मनन जो है, ये संकल्पबद्धता, ये सुदृढ़ता कि उसके लिए काम करना है, उसको उसका अधिकार दिलाना है। इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी, चीनी, यानी 6 भाषाओं के बाद राष्ट्रसंघ में उसको स्थान दिलाने की बात सभी ने एक स्वर में कही और इससे हिंदी की शक्ति और समृद्धता बने निकल कर आती जी, है। महीप सिंह जी, आप बताएं आपकी दृष्टि से क्या उपलब्धि रही? मेरा मत है कि इस सम्मेलन के द्वारा जी जिस ढंग से हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने की का संकल्प वहाँ हुआ वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है जी। बातें लगभग जितने भी इससे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुए सभी में इस बात पर आग्रह था कि हिंदी विश्व स्तर पर स्थापित हो और उसके लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वो एक आधिकारिक भाषा बनकर उभरे। बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं और पिछली सरकारें ये काम बहुत अधिक नहीं कर सकें, उनकी अपनी कठिनाइयाँ थीं, पर मुझे लगता है कि आज जो सरकार इस समय केंद्र में है वो इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का प्रवेश होना चाहिए। सारे ये इस सम्मेलन में ये चिंता मुझे व्यापक रूप से व्याप्त दिखाई दी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी कैसे स्थापित हो,
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा वो कैसे बनी, 6 भाषाएं पहले से हैं, ये भी एक भाषा उसमें स्वीकृत हो। संसार भर के अनेक देशों में हिंदी मूल के लोग रहते हैं, जो अपने ढंग की जैसी भी उनकी हिंदी है वो वहाँ थोड़ा बहुत बोलते हैं। मैंने वहाँ एक बात इस बात पर भी आग्रह किया कि सारे संसार में हिंदी का एक व्यापक मानकीकरण होना चाहिए। जब तक हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मानकीकरण नहीं होता है, तब तक हिंदी के प्रचार के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। यानी जैसी हिंदी हम बहिरेन जी दूसरे मुद्दे पे आ गए हम लोग। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन मुद्दा बदल गया। अब मैं शंभूराज जी से पूछता हूँ उनकी राय, उसके बाद हम लोग फिर मुद्दे पे लौट करके आएंगे। शंभूराज जी, आप बताएं, आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब व्हाट इज द अचीवमेंट, क्या उपलब्धि है इसकी हिंदी सम्मेलन की जी, जो सूरीनाम में हुआ जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सम्मेलन हुआ, या इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे हैं हिंदी के, अब तक ये सातवां हो चुके हैं, तो ये सम्मेलन एक तो ये है कि हिंदी की जो मौजूदा स्थिति है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, तो उसमें हिंदी की क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसके लिए एक मुकम्मल रणनीति बनाना और उसके बारे में उसके विभिन्न पहलुओं पे सोचना और उसको लेकर के इसका संदर्भ तो वैश्विक ही है, अंतर्राष्ट्रीय ही है, विश्व हिंदी सम्मेलन का संदर्भ स्थानीय नहीं हो सकता जी। तो उसमें स्थानीयता सब जगह होती है, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से लोग बोलते हैं, तो इस तरह से हिंदी का जो एक वैश्विक संदर्भ है, उस संदर्भ में हिंदी की संभावनाओं की पड़ताल करना और उसके लिए जो भी समस्याएं उसकी रणनीति बनाना, मेरा ख्याल है कि ये होता है सम्मेलनों में, यही इस सम्मेलन में भी हुआ जी। चित्रा जी ने अपनी बातचीत में कई दूसरे देशों के विद्वानों का जिक्र किया, आप मुझे बताएं कि वहाँ के जो दूसरे देशों के विद्वान आए, उनका हिंदी की समस्या से क्या अनुभव रहा, कि किस तरह का उनका एक जो दूसरे देश में अपने देश की भाषा ना होते हुए उसको पढ़ना पढ़ाना या संपर्क में रहना, उसकी अपनी कठिनाइयां हैं, उसका क्या? देखिए, जैसे प्रोफेसर ब्रिस्की से बात हुई, वारा निकोज जी से बात हुई, यहाँ तक कि एनिमोतो जो वहाँ हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई है, अनुवाद से जुड़ी हुई है, इन लोगों का कहना ये था जो बड़ा अद्भुत लगा मुझे बात करने पर, कि हमारे यहाँ जो हिंदी की कक्षाएँ चलती हैं, इसके अलावा कक्षाओं में जो विद्यार्थी आते हैं उनमें कमी नहीं आई है, एक आध जगह में छोड़ करके, लेकिन हिंदी फिल्मों हिंदी गीतों का जो योगदान है इसको लेकर के कई ऐसे प्रौढ़ और वृद्ध विद्यार्थी आते हैं जिनको ये लगता है कि हम हिंदी केवल एक घंटा दे सकते हैं, एक घंटे में हम हिंदी क्या सीख सकते हैं, जो 2 महीने 1.5 महीने का कोर्स हो। और उन्होंने कहा कि हमने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है, आप क्यों अपना समय खर्च करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा समय तो है लेकिन हम हिंदी फिल्में हिंदी गीतों को समझना चाहते हैं, हम हिंदी के साहित्य को समझना चाहते हैं। तो इस तरह की उत्सुकता जहाँ नज़र आती है तो सर्वविदित है कि भाषा को, हिंदी भाषा को लेकर बाहर क्या सोचा जाता है। और मुझे जो एक बात लगती कि जिस दिन राष्ट्रसंघ में हिंदी, जैसा कि महीप जी ने कहा कि वर्तमान जो सरकार है वो कटिबद्ध है कि राष्ट्रसंघ में स्थान दिलाना है, प्रतिष्ठा दिलानी है, जिस दिन राष्ट्रसंघ में प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन अनिल जी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, हम मानसिक परिवर्तन हम अपने देश में। चित्रा जी, वो मुद्दा तो आपने उठाया, उस मुद्दे पे तो चर्चा करेंगे, वो तो देखिए वो तो सरकारी फ्रंट है जी जी, और उस मुद्दे पे तो शेर का निशान लगा हुआ जी, है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट उस पे एफर्ट करेगी ही करेगी। हम जो बात कर रहे हैं हिंदी की शेर के निशान के बियॉन्ड बात कर रहे हैं कि सरकार गैर सरकार जी हाँ, विदेशों में तो कोई सरकारी मुद्दा नहीं है, हिंदी पढ़ने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य वेद पुराण संस्कृति को लेकर के, एनिमोतो तो संस्कृति पर बोली थी और उन्हें अनुवाद वाले सत्र में बोलना था, वो आई और उन्होंने कहा कि चित्रा जी मुझे तो संस्कृति में बोलने के लिए, मैं भारत की संस्कृति से अभिभूत हूँ, भारत की साहित्य परंपरा संपदा से अभिभूत हूँ। तो ये एक ऐसी चीजें हैं विदेशों से जब हमें मिलती हैं तो हमें लगता है कि हमारा व्यवहार क्या है, हमारा विचार और व्यवहार क्या है जी। महीप जी, मुझे एक बात बताएं कि लोग यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे कि सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन करने का क्या औचित्य रहा। बात यह कि पिछला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था, हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन में हिंदी एक बहुत छोटी भाषा है,
और वहाँ के कॉलेजों में और वहाँ के स्कूलों में तो पढ़ाई जाती है और थोड़ी हिंदी से भी वहाँ रहते। सूरीनाम का चयन इस दृष्टि से बहुत अच्छा था कि लगभग 40% लोग सूरीनाम के उन प्रदेशों से गए हैं जिनको हम हिंदी भाषी प्रदेश मानते हैं। वैसे ये भी मैं मानता हूँ कि ये सारे कैरिबियन कंट्रीज में 10 लाख से अधिक भारतवंश के वंशी लोग रहते हैं, परंतु धीरे धीरे हिंदी से उनका संपर्क टूट गया है। यानी जो गुयाना है ऐसे देशों में तो नई पीढ़ी हिंदी बहुत अधिक जानती भी नहीं, और सूरीनाम में भी बहुत सारे जो मंत्र हिंदी के लिखे होते हैं वो भी रोमन लिपि में होते हैं। सूरीनाम में करने का था कि ये जो 40% लोग सूरीनाम में बोलते हैं, 1.5 लाख के करीब जो लोग बैठे, लगभग 4 लाख के करीब सब लोग 4.5 लाख की आबादी में 40% को मान लीजिए, इनको कैसे हिंदी के साथ में फिर से इन्हें जोड़ा जाए, हिंदी के प्रति इनमें रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, और कैसे हिंदी इनके लिए व्यवहार की भाषा, बोलचाल की भाषा, और धीरे धीरे वो साहित्य सृजन की भाषा कैसे बने। ये एक बहुत अच्छा उद्यम था मैं मानता हूँ। और सूरीनाम चूँकि दूसरी अगर इसकी तुलना की जाए तो केवल मॉरिशस या फिजी से की जा सकती जी। मॉरिशस में 2 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके और विश्व हिंदी का सम्मेलन का जो एक सचिवालय है वो मॉरिशस में बन ही गया है। उसके बाद सूरीनाम ही ऐसा महत्वपूर्ण देश था कि जहाँ लोगों को हिंदी के साथ में जोड़ने की वहाँ लोगों में ललक है, बशर्ते को उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त हों, हिंदी के अध्यापक हों, हिंदी की पाठशालाएं हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी वहाँ के शैक्षणिक संस्कार का, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बने, जो आज नहीं है जी। हम लोग लौट करके आएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और शंभुराज जी से पूछेंगे कि हिंदी खासतौर से विश्व हिंदी सम्मेलन के बाहर जो हिंदी की स्थिति है वो क्या है, और सारे विद्वानों से ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार हिंदी को जाना कहाँ है बिना सरकार की मदद के, छोटे से ब्रेक के बाद। सूरीनाम से हिंदी का डंका पूरी दुनिया में, घटनाचक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत में शामिल हैं शंभुनाथ सिंह जी, महीप सिंह जी और चित्रा मुद्गल जी। शंभुनाथ जी, मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन पे सरकार की बड़ी छाप रहती है, और सरकार की बैसाखियों पे हमेशा हिंदी के लोग चलते भी रहे हैं, तो आपको लग रहा कभी ऐसा प्रयास मैंने नहीं देखा कि बिना सरकारी मदद के और बिना सरकारी तंत्र के कोई हिंदी का सम्मेलन हुआ हो? असल में दिक्कत ये है कि इसका जो वो आर्थिक पक्ष है वो तो स्पष्ट है, तो उसका कहाँ से कैसे होगा? या तो कोई ऐसी संस्था हिंदी की हो जो इतनी समृद्ध हो कि अगर विश्व हिंदी सम्मेलन आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करना चाहते हैं तो वहाँ जाना आना और इसका सबका खर्च वगैरह कौन उठाएगा, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बाकी कोई वो मंडी हाउस की गोष्ठी तो है नहीं, 4 लेखक इकट्ठे हो गए और पर्चे पढ़ दिए गए, गोष्ठी संपन्न हो गई जी। उसका एक आर्थिक पक्ष भी है और उसमें या तो सरकार मददगार हो या कोई हिंदी की संस्था हो, वो भी प्रकारांतर से मेरा ख्याल है सरकार से या अनुदान से या चंदे से, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी संस्था हो जो चंदे वंदे से ऐसा कोर्स बनाए जिससे सम्मेलन, गोष्ठियाँ और ये सारी हिंदी के कार्य चल सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, पर आप आपकी बात से एक बात झलकती है कि इसकी ज़रूरत है चित्रा जी, कि शंभुराज जी ने जो थोड़ी सी बेबसी दिखाई। नहीं, मैं थोड़ी बात स्पष्ट कर दूं। मेरा मानना ये है कि जैसे उसको अगर इससे आप जोड़ के देखें, हिंदी की जो स्थिति भारत में है, विदेशों की तो खैर जो है वो है, अलग अलग देशों की अलग अलग है। महीप सिंह जी कह रहे थे गयाना का नाम लिया इन्होंने, गयाना में धीरे धीरे हिंदी लगभग लुप्त होती जा रही है, वहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग थे एक दौर में, कैरिबियन में गयाना अकेला ऐसा देश था जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी थे, लेकिन वो अपनी भाषा को बचा नहीं पाए, सुरक्षित नहीं रहे। ये यही हाल सूरीनाम का भी है, 40% हिंदी भाषी हैं लेकिन वहाँ हिंदी न तो पाठ्यक्रमों में है न वहाँ की स्कूलों में पढ़ाई जाती है, हिंदी उनके लिए रोजमर्रा की भाषा है, जीवंत रोजमर्रा की जीवंत भाषा है। यहाँ अपने देश में देखिए 2% भाषा भाषी, 4% भाषा भाषी
की जो भाषा है वो स्टेट से रिकग्नाइज हो जाती है। वहाँ हिंदी रिकग्नाइज नहीं है, बावजूद इसके कि 40% लोग उसको बोलते हैं और उसको अपने व्यवहार में रोज़ उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पाठशालाओं तक में नहीं है हिंदी। तो वो एक धर्म भाषा की तरह से वहाँ चल रही है, जैसे धर्म इस तरह से हिंदी चल रही, वो न तो रोजी रोटी से जुड़ी है न करियर से जुड़ी है। इसीलिए और दूसरे जगहों पे जो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुई है और जिसका लक्षण सूरीनाम में भी दिख रहा है, तो कोई ऐसा उपाय इसका ज़रूर निकालना चाहिए कि जब तक वो करियर और दूसरे चीज़ों से नहीं जुड़ेगी तब तक भाषा नहीं बचेगी, न विदेश में न देश में। महिप सिंह जी कुछ कह रहे हैं। कह रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ये सरकारी बैसाखियों पर सारा ये जो प्रयास है हिंदी के आंदोलन का, ये कभी कैसे नहीं आंदोलन ही नहीं। महिप सिंह जी आपके तो मतलब आप इतने अनुभवी हैं और सारा जीवन हिंदी पढ़ाई लिखाई, हिंदी अकादमी हो, हिंदी पुरस्कार हो, हिंदी राजभाषा हो, हिंदी सप्ताह हो, हिंदी महीना हो, हिंदी वर्ष हो, सब सरकारी बैसाखियों पे आप किस किस तरह के हिंदीवादी होने का दावा करते हैं, हास्यास्पद भी होता है कई बार। आपको याद होगा कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जी, वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वावधान में हुआ था, ये आपको स्मरण होगा। इसका मतलब है कि हिंदी की एक स्वयंसेवी संस्था ने उसका आयोजन किया था ना, ये एक अच्छी परंपरा थी। परंतु दुर्भाग्य से हिंदी की जितनी भी ऐसी संस्थाएं जो वर्षों से काम कर रही हैं उनकी आज बुरी हालत है। हिंदी साहित्य सम्मेलन लीजिए, नागरी प्रचारणी सभा लीजिए, और प्रदेशों में ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ हैं इनका कोई आज उतना महत्व नहीं रह गया और इनके काम की कोई बहुत अधिक सार्थकता नहीं रही। अगर आपको बाहर करना है तो जैसा शंभुनाथ जी ने कहा, इसका एक आर्थिक पक्ष है, कितने हिंदी लेखक अपनी जेबों से पैसे खर्च करके वहाँ जा सकते हैं। जब स्वयंसेवी संस्थाएं अच्छी नहीं होंगी, आगे नहीं आएंगी, तो सरकार की बैसाखी का सहारा लेना ही पड़ेगा, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। चित्रा जी आप नहीं, मुझे लगता है अनिल जी कि अगर सरकार की बैसाखी का सहारा लेना ही पड़े तो इसमें गलत क्या है? मैं उसकी औचित्य पे आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी जो संबलता है भाषा की, मैं उसकी संबलता पे बात कर रहा हूँ कि एक भाषा जिसको आप कहते हैं 60 करोड़ लोग बोलते हैं, वो एक ऐसी संस्था नहीं बना पा रही है जो बिना शेर के निशान के चल सके और हर बार मंत्री राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों की शक्ल हमको देखनी पड़े। तो आपको लगता है कि आप ठीक है यूएन में हिंदी भाषा बोल ली जाएगी और हम करतल नीचे ताली भी बजा देंगे, अभी वो सब हो जाएगा। देखिए अभी महीप जी ने एक बात कही, 1975 में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जिसके अध्यक्ष मधुकर राव चौधरी रहे हैं, उनकी ये परिकल्पना थी और उनके साथ तमाम हिंदी भाषी विद्वान खड़े हुए और उस समय संस्था ने अपने बूते ये काम किया और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये सारा कार्य व्यापार देखकर हिंदी के प्रति जो उनका समर्पण था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और उसी का ये नतीजा था कि 121 देशों में से कुछ देशों में अपने आप जो है हिंदी प्रतिष्ठित हुई थी, लेकिन कुछ देशों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रयत्नों से प्रतिष्ठित हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि मुझे लगता है कि ये अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, क्या हमारे सभी हिंदी विद्वान दुखी होंगे कि राजनीति ने तो हिंदी के विकास में ठीक है धन जरूर दिया होगा, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल किया है उसको अपने हित अहित को लेकर के, वो तो उसने तो बहुत बुरा किया है हिंदी का और एक तरह से हिंदी को अपमानित किया है मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जिसे अपना राजनीतिक खेल या वोट बैंक बनाने की भाषा जहां भी इस तरह से रहेगी, जहां भी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होगी और उसमें जो भी लोग बहुसंख्यक बहुभाषी होंगे, बहुसंख्यक जहां भी,
तो वो अपना काम तो करेंगे, पूरी दुनिया में ये होता है, उसमें मतलब किसी बात के पछतावे की भी शायद आवश्यकता नहीं है। दिक्कत ये हुई अनिल जी कि यहाँ तो मतलब जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उसने एक तरह से जो सहज विकास हिंदी का अपने आप हो रहा था उसको लगभग अवरुद्ध किया है। आप देखिए, अगर वो वाली चीज नहीं होती तो हिंदी यहाँ इतनी ज्यादा, हिंदी बोलने वाले इतने ज्यादा लोग इस देश में हैं, उसको राजभाषा भी बनाई गई है, लेकिन वो वाली भाषा जो राजभाषा की भाषा है और जो व्यवहार की प्रैक्टिस की भाषा है, उसके ग्रोथ में आप अंतर देख लीजिए। अच्छा, मैं अभी अभी वहाँ राजभाषा विभाग धीरे-धीरे सिकुड़ रहे हैं। एक चित्रा जी, मैं क्योंकि विषय बदल जाएगा, हम लोग सूरीनाम से बाहर आ गए थोड़ा सा, मैं जानबूझ के आया सूरीनाम से बाहर क्योंकि वो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम लोग सूरीनाम फिर चलेंगे और हम लोग वहाँ देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो वामपंथ और दक्षिणपंथी लेखक हैं और या समाज को समझने वाले लोग हैं या समाज के चित्रित करने वाले लोग हैं, उनकी क्या फीलिंग थी और क्या नया लिखा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। छोटे से हम लोग जरा देखें, पहले हम लोग जो हिंदी भाषी हैं खासतौर से, आंकड़ा उनके लिए भी है और जो हिंदी के जानकार हैं आंकड़ा उनके लिए भी है, देखें मातृभाषा का कितनी व्यापक है हमारी। हिंदी भाषी 18 करोड़ लोग हैं, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी प्रयोग करने वाले लगभग 30 करोड़ लोग हैं, और भारत के बाहर जो लोग हिंदी प्रयोग करते हैं उसमें अमेरिका है 1 लाख, मॉरिशस है 6,85,000, दक्षिण अफ्रीका है 8,90,000, यमन है 2,32,000, युगांडा है 1,47,000, सिंगापुर है 5,000, नेपाल है 80 लाख और जर्मनी है 30,000, और सूरीनाम इसमें छोड़ दिया है इन्होंने, लगभग 1.5 लाख के करीब लोग हैं। और हिंदुस्तान में हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मुंबई, चंडीगढ़, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, और हिंदी बोलने वाले जो दूसरे देश हैं उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिजी है, गुयाना है, त्रिनिदाद है, पाकिस्तान है। और हिंदी से या हिंदी की मिक्स भाषा जो आप कहें देवनागरी लिपि से जो भाषा उपजी है, मारवाड़ी है, ब्रज है, बुंदेली है, उर्दू इसमें है, पर उर्दू की स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी नहीं है, अवधी है, भोजपुरी है और कन्नौजी है। चलिए हम लोग दूसरे डाटा के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि पूरी दुनिया में जो हिंदी का सम्मेलन हुआ उसमें हिंदी के लेखकों की पूरी दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, इस बारे में क्या बातचीत हुई है, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन, इस पर चर्चा हो रही है, बातचीत में शामिल है चंबुनाथ सिंह जी, महीप सिंह जी और चित्रा मुदगल जी। हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, लेकिन हम लोग चलते हैं अशोक चक्रधर जी के पास, जो कि टेलीफोन लाइन पे हैं, प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षक। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, शायद फोन लाइन कट गई है। चित्रा जी, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि पूरी दुनिया में जो लेखक या पत्रकार या हिंदी भाषी वहाँ इकट्ठा हुए, उससे क्या फील हुआ कि पूरी दुनिया में हिंदी में क्या लिखा जा रहा है, भारत को छोड़ के किस तरह की उपन्यास, किस तरह की कविताएं या किस तरह की कहानियां के बारे में चर्चा हुई, या सिर्फ भाषा केंद्रित रहा? नहीं, सिर्फ भाषा केंद्रित था, एक सत्र ऐसा जरूर था जिसमें था लेखक से मिलिए, और वो भी वहाँ से आग्रह था कि वहाँ जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, जो हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, किताबें ले जाते हैं, ये कहीं से भी प्राप्त करते हैं। चित्रा जी, एक मिनट, अशोक जी टेलीफोन लाइन पे हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, हेलो। हेलो अशोक जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है जैन स्टूडियो में। मेरा नमस्कार स्वीकार करें जी। सुना है सूरीनाम से आकर के आप बीमार हो गए, बहुत मेहनत की आपने जी, कुछ अच्छे काम के पुरस्कार मिलते हैं जी। मैं ये जानना चाह रहा था, हमारे पास आपकी मैगजीन है सम्मेलन समाचार जी, जो आपने वहाँ सम्मेलन के दौरान निकाली, अभी चित्रा जी ने बताया, आप मुझे बताएं कि विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धि के अलावा जो है वहाँ पे खास तौर से हिंदी भाषियों की या हिंदी के लेखक पत्रकार, उनकी फीलिंग क्या थी, उनकी मन की भावना, पीड़ा या क्या अभिव्यक्त किया उन्होंने? दरअसल इस प्रकार के सम्मेलन सदैव एक मिलन समारोह तो होते ही हैं, हमारे वैचारिक आदान प्रदान के केंद्र भी बन जाते हैं जी। सूरीनाम सम्मेलन कई स्तरों पर मुझे लगा कि
विगत सम्मेलनों से एक अगला चरण था और अपने आप में महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी प्रेमियों का एक जमावड़ा हुआ और एक दूसरे को जानने का अवसर मिला जी। दूसरा ये कि हमने उसके शैक्षिक सत्रों में हिंदी से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर और उस मूल विषय पर जिसको केंद्र में रखकर ये आयोजन हुआ कि विश्व हिंदी की के सामने चुनौतियां क्या हैं भविष्य की 21वीं सदी की जी। तो वो सारे सत्र उन विषयों पर केंद्रित थे जो विश्व हिंदी के सामने 21वीं सदी की चुनौतियां लेकर खड़े हुए हैं। तीसरा ये कि हम अपने सांस्कृतिक समारोहों के जरिए एक दूसरे को और निकट से जान पाए। सूरीनामी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से भारतीय कलाकार गए जिन्होंने वहाँ भोजपुरी के गीत सुनाए, जिन्होंने वहाँ कबीर जैसे एक अभिनय परक प्रस्तुतियां शेखर सेन की हुई, कव्वाली हुई। तो मिली जुली साझा संस्कृति जो भारत की है उसकी निदर्शना वहाँ हुई और हिंदी की जय जयकार हुई। नहीं मगर मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, अखबार निकालने की चुनौती पूरी कर सकता हूँ या नहीं, और मुझे प्रसन्नता है कि मैं स्वयं अपनी परीक्षा में पास हुआ कि मैं निकाल पाया जी। नहीं आपकी तारीफ तो खूब हो रही है, जितने हमारे यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं सब जी, मैं उनको यहीं से आभार ज्ञापित करता हूँ जी। लेकिन मैं एक बात उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अशोक जी मैं एक बात पूछना चाह रहा था जी कि जो वहाँ लेखक पत्रकार और सारे लोग इकट्ठे हुए उनमें जो नया लेखन हो रहा है वो बाकी दुनिया से कैसे दीगर है और किस तरह के लेखन पे फोकस भी हो रहा है। हेलो, काल घटित हो रहा है, जो वर्तमान है वो वर्तमान में मूल्यांकन योग्य नहीं माना जाता है जी। आज जो लिखा जा रहा है उसका कल करेगा ऐसा होता रहा है जी। और जब जब हम वर्तमान का मूल्यांकन वर्तमान में करने की कोशिश करते हैं तब तब उंगलियां उठ जाती हैं जी। ये एक प्रवृत्ति अभी तक रही थी जी। सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में इस प्रवृत्ति से लड़ा जा सका और इस प्रकार के प्रस्ताव भी पारित हुए कि जो वर्तमान समय में लिखा जा रहा है भारत के बाहर भी दिया जाना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का जो लेखन चल रहा है उसे महत्व मिलना चाहिए जी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को चाहिए जी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी जितनी आगे आ गई है उसे पहचान मिलनी चाहिए और हमारे विभ्रम टूटने चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारे साहित्य और हमारी परंपराओं की शत्रु नहीं है बल्कि उसकी वाहिका है, आगे ले जाने वाली है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और जानकारी दी। आपका स्वास्थ्य ठीक होता तो हम आपको बुलाते भी। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी। हम वही बात कर रहे थे, लेट्स कम बैक टू बातचीत के इस हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करें कि जो वो बुद्धिजीवी वहाँ मिले उनकी राय क्या थी आज के साहित्य के, कविता के, लेखन के बारे में, किताबों के बारे में। यही जो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, जो वहाँ के मेरी दिलचस्पी थी वहाँ की जो युवा पीढ़ी है उससे संवाद कायम करने की, आते जाते भीड़ में जो उनसे बात हुई तो यही निष्कर्ष निकला कि वो उन लेखकों को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो क्यों लिखते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो एक सत्र ऐसा लिख रखा गया, लेखक से मिलिए, लेकिन समय के अभाव में शायद सवाल जवाब नहीं हो सके, है ना। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ के युवाओं में मैंने ये देखा कि वो भारत आकर पढ़ने के इच्छुक हैं। वैसे वहाँ घरों में मैंने दो चार घरों में देखा, इनेरी गांव है जहाँ भारतवंशी लोग बहुत रहते हैं और संगठित ढंग से रहते हैं, इंडोनेशियाई भी रहते हैं, चाइनीज, जावानी, जावा के लोग भी रहते हैं। वहाँ मैंने देखा घरों में श्याम पट्ट हैं, घरों में शिक्षण संस्थाएं हिंदी की चलती हैं और वो युवा ये मानते हैं कि अगर उन्हें हॉलैंड जाकर के पढ़ने की बजाय उन्हें भारत आकर के फेलोशिप मिले पढ़ने के लिए तो वो भारत आकर पढ़ना चाहते हैं और नौकरी करना चाहते हैं भारत में और भारत वंशियों के साथ। वो तो खुद ही भारत वंशी हैं लेकिन वो इच्छुक हैं कि यहाँ उनकी शादियाँ हों और उनको लगता है कि अगर हम यहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे तो हमारी शादियाँ भी यहाँ होंगी। तो इससे एक लगाव नज़र आता है और साहित्य को लेकर के तो है ही। एम्बेसी जो वहाँ का राजदूतावास है वही एक माध्यम है। एक यूनिवर्सिटी थी सूरीनाम की जो है वो भी हमने देखी, वहाँ डच का बहुत बड़ा, मतलब वो तो डच ही उनका माध्यम है लेकिन हिंदी का भी एक विभाग है। और मंगला हैं जो मैं अभी नाम मुझे याद नहीं है, वो वहाँ की विभागाध्यक्ष हैं। तो हिंदी को लेकर के भी एक दो चीज़ें हुई हैं वहाँ लेकिन बहुत नहीं हुई जी।
महीप जी, बात इस बात पर भी वहाँ एक प्रस्ताव था कि भारत से बाहर जो भी हिंदी का साहित्य सृजन हो रहा है उसको भारत में भी एमए के प्रश्न पत्रों में एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में यहाँ स्वीकार किया जाए, उसकी मान्यता हो, उसको यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। पर एक बात मैं त्यागी जी आपसे कहूँगा कि भारत के बाहर जिसको हम सृजनात्मक साहित्य कहते हैं वो बहुत अंशों में केवल मॉरिशस में रचा जाता है, कुछ अंशों में वो फिजी में रचा जाता है, सूरीनाम, गुयाना आदि देशों में क्रिएटिव राइटिंग नाम की अभी कोई परंपरा विकसित नहीं हुई है। परंपरा नहीं हुई, हाँ, लेकिन जीत नारायण जी वगैरह की कुछ कविताएं जो हैं जी, इससे कहीं अधिक हमारे जो जो रचनात्मक साहित्य है वो ब्रिटेन में, अमेरिका में ज्यादा रचा था। बड़े पैमाने तो मैं समझता हूँ कि इसको भी सारा संगठित और नियोजित करने की आवश्यकता है। और वही जो मेरे प्रश्न क्या उठाया था कि मॉरिशस में जो उपन्यास या कहानियाँ या कविताएं लिखी जाती हैं और भारत में जो लिखी जाती हैं उसमें अंतर नहीं है जी, परंतु सूरीनाम की भाषा जो सामान्यता है वहाँ वो मानकीकरण अभी नहीं हुआ है, इसकी बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया हुआ मानकीकरण का, क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है मानकीकरण का, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे यार। लेकिन शंभुनाथ जी के पास मैं आऊँगा, एक व्यूअर हैं, दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पे, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, सूरीनाम में जो सम्मेलन हुआ उसमें एक प्रमुख प्रस्ताव ये पास किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी को बनाई जाएगी और उसके लिए प्रयास किया जाएगा और हर 5 साल पर 5 करोड़ खर्च किए जाएंगे इस तरह के हिंदी सम्मेलन पर। जी जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी हम देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाएंगे? अगर वहाँ किसी ने ये कह दिया कि पहले भारत में ही बोल लो हिंदी पूरी, बाद में हमारे पास आना, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल लारेंस जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, ये सवाल तो बातचीत के इस हिस्से में आना ही था, लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको चिताया और बताया कि सवाल भी पूछा जाना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद शंभुनाथ जी। एक पत्रकार होने के नाते आप जी मुझको ये बताएं कि जो चुनौतियों की बात कर रहे हैं, जैसे अनंत ने भी कहा कि नहीं, इनकी इस सवाल पे हम आएंगे, क्योंकि ये सवाल तो मेरे अंतिम इस सवाल पे वहाँ चर्चा हुई थी जी, जो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का हिंदी वाला सत्र था उसमें इस पे चर्चा हुई थी और अनेक तरह से लोगों ने विचार किए। कुछ लोगों ने ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अगर हिंदी को मान्यता मिलती है तो हिंदी की जो धारा इन देशों में सूख रही है उसको एक बल मिलेगा और वो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थापना एक ऐसे चाबुक का काम भी करेगी कि जो यहाँ के शासकों को इस बात के लिए नैतिक रूप से भी बाध्य करेगी कि वो हिंदी को यहाँ उसका एक मुझे कहानी याद आ रही है वो स्थान दें, कहानी मतलब उधर से वाया भटिंडा वाला मामला है, पंचतंत्र की कहानी है जी, कि एक आदमी अपने परिवार को बांध नहीं पाया और एक आदमी का परिवार बंधा हुआ था तो वो दिया और सोना रगड़ने वाली के जिसके परिवार बंधा हुआ था वो उसको सोना मिला और जिसका परिवार नहीं बंधा हुआ था वो उसका पिटाई हुई राक्षस ने की। खैर कहानी पे नहीं जाते हम लोग। आपको जो अनंत जी ने सवाल किया कि आपको लगता है कि उस बात को उठाना कि पहले हम इस देश की भाषा हिंदी को खुद राष्ट्रभाषा डिक्लेयर करें और फर्स्ट लैंग्वेज डिक्लेयर करें पूरे देश में और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो ज़्यादा तर्कसंगत होगा? देखिए मेरा ख्याल है ये तो सही है, ये मांग तो यहाँ होती भी, हिंदी राजभाषा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी स्थिति ये है कि हिंदी जनभाषा है, अगर सरकार हिंदी की एकदम अवहेलना करना चाहे तब भी वो इसमें सफल नहीं हो सकती क्योंकि हिंदी की अपनी ताकत है और उस ताकत के आधार पे सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई विदेशी सरकार होती तो भी रिकॉग्नाइज करने को मजबूर होती हिंदी की जो अपनी जनभाषा वाली ताकत है, तो हम तो उस ताकत को उसकी असली ताकत मानते हैं, उसी से वो राष्ट्रभाषा और विश्वभाषा सारा कुछ उसी ताकत से उसको बनना है जी। सरकार का रोल तो फैसिलिटेटर वाला ही हो सकता है
कि जो कुछ वहाँ तकनीकी रूप से खर्चे वर्चे आएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में लागू करने का, मतलब उसमें खर्चे भी महीप जी ने मुझे बताया था एक अरब रुपए का खर्च पहले शायद 100 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा है एक साल में, वो भारत सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जो खर्चे वर्चे हैं वो तो सरकार ही दे सकती है, उसको कोई प्राइवेट संस्था तो नहीं दे सकती। लेकिन ये है कि जहाँ तक औचित्य का सवाल है कि जब तक आप अपने देश में नहीं उसको ठीक सम्मानजनक दर्जा दे पाए हैं तो बाहर उसके सम्मान के लिए इतने चिंतित क्यों हैं? जी हम तो दोनों जगह के सम्मान के लिए चिंतित हैं, देश में भी होना चाहिए और उन तमाम सारी जगहों पे होना चाहिए। चलिए मुझे लेकिन उसका एक सांकेतिक और प्रतीकात्मक महत्व तो जबरदस्त है अनिल जी। जी लेकिन मैं एक बात और करना चाहता हूँ चित्रा जी, मुझको आप ये बताएं कि हिंदी सम्मेलन तो ठीक है, सम्मेलन हुआ, सम्मेलन होने भी चाहिए, लोग मिलते जुलते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन आज खास तौर से जब किसी भी भाषा का इस तरह का विश्व सम्मेलन किया जाता है तो खास तौर से वहाँ कई चुनौतियों के बारे में बात की जाती है। एक तो खास तौर से हिंदी लेखकों का अंतर्द्वंद और खास भाषा भाषियों का अंतर्द्वंद और खास तौर से सरकार की जो संरक्षणता है उसका अंतर्द्वंद, इन सब अंतर्द्वंदों के बीच उपजती कसमसाती हिंदी को अगर आप देखें तो आपको लगता नहीं है कि क्या हम लोग हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं? कम से कम पहले घर में तो मजबूत होना चाहिए। नहीं देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत दुनिया के छोटे छोटे कई देशों को आप डाल दीजिए तो भी भारत में जगह बच रहेगी, इसलिए उस बात को तो उस बारे में तो हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। आप देखिए कि एक पहली बात जो मुझे लगती है कि पूरे विश्व के जितने भी बड़े देश हैं छोटे देश हैं सबकी कोई ना कोई एक भाषा है, एक भाषा अपनी निजी एक भाषा है ना, अपना एक झंडा है, अपना एक देश है, अपनी एक भाषा है। तो एक एक तो ये बात जो है ये इतनी प्रमुख है कि हम बहुभाषी देश हैं, बहुत संस्कृति। आप मुझे बताएं कि महीप जी हमने सम्मेलन यहाँ सम्मेलन की जब हम खबरें पढ़ रहे थे तो मुझे मैंने सारे हिंदी के अखबार देखे और हिंदी के अखबारों में एक छोटे से बक्से के रूप में खबर आई, जबकि आज के इंटरनेट के युग में संप्रेषण की कोई मतलब कमी नहीं है। आपको लगता है जब आपके हिंदी के अखबार सिंसियर नहीं है विश्व हिंदू सम्मेलन के प्रति, या विश्व हिंदी सम्मेलन ने कोई ऐसा वाया मीडिया नहीं निकाला कि अखबारों को लगातार नियमित रूप से इन्फॉर्म किया जाए और या खबर की कोई व्यवस्था की जाए, आपको लग रहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मैंने यहाँ आकर सुना कि हिंदी के समाचार पत्रों में तो काफी समाचार आते रहे, रीजनल अखबारों में आए, नेशनल न्यूज़पेपर्स उससे गायब रहे। मैं समझता हूँ कि जिनको आप हिंदी का नेशनल न्यूज़पेपर के उनमें भी काफी चर्चा हुई। अच्छा, मैं दूसरे एक खबर थी जागरण में प्रतिदिन आती रही, जो आकर मैंने यहाँ देखा राष्ट्रीय सहारा में आती रही, हिंदुस्तान में आती, पर ये अवश्य हुआ है कि यहाँ का जो अंग्रेजी मीडिया है उसने इसकी पूरी तरह उपेक्षा की, वर्चस्व तक से पीड़ित है, वो उनके शायद दो शब्द भी नहीं आए। ये भी देखना चाहिए कि क्या विश्व हिंदी सम्मेलन और जो भारतीय भाषाएं हैं, जब तक हम अपने मन में ये स्पष्ट नहीं होंगे कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं इनका आपस में समन्वय कैसे होता है, तब तक शायद हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की व्यापक मान्यता बनाने में बहुत सफल नहीं होंगे। मेरा बार बार आग्रह ये रहा है कि ये दोनों बातें समानांतर रूप से साथ चलें, विश्व स्तर पर हम हिंदी को कैसे स्थापित कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हम हिंदी को सारे देश में संवाद और संपर्क की भाषा कैसे बना सकते हैं। हिंदी को उस रूप में यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि इसराइल वालों ने अपनी हिब्रू कर ली और जर्मनी में एक भाषा है। भारत एक भाषी देश नहीं है और यहाँ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वे सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। चलिए अपने अपने क्षेत्रों में उनका महत्व। हम लोग फिर सम्मेलन पे लौट आए, सम्मेलन जी मुझको ये बताएं कि ये समस्या, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब इस तरह के तर्क आते हैं तो मुझे बड़ा मतलब एक दुख होता है।
कि अंग्रेजी को तो सारी भाषाएं हमारी जो भारतीय भाषाएं वो मातृभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर रही है, अंग्रेजी को स्वीकार कर रही है, क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है कि मुझे तो लगता है जो भाषा स्वीकार की जा रही है सिर माथे रखे वो मातृभाषा संपर्क भाषा के रूप में संपर्क भाषा है, अब तो घरों में पढ़ाई जाने लगी। चित्रा जी, लेट्स कम बैक टू, हम लोग फिर लौट के आए, माफ करें मैं फिर अंग्रेजी पे आ गया। शंभुनाथ जी, मुझको ये बताएं कि जो चुनौतियां वहां खड़ी की गई विश्व हिंदी सम्मेलन में, आपको लगता है कि हिंदी के लोग, हिंदी के लेखक या हिंदी के काम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि हिंदी के लोगों में ऐसी तो कोई कमी दिखती नहीं, हिंदी के लोग उनकी क्षमताओं में संदेह नहीं करना चाहिए, और भाषाभाषी जितने क्षमतावान हैं उससे कहीं भी कम नहीं है, ना हमारा साहित्य कहीं से कमज़ोर है, ना भाषा कमज़ोर है, ना उसका उसकी अभिव्यक्ति कमज़ोर है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। चुनौतियां तो खड़ी इसीलिए की जाती हैं कि उन पर पार कैसे पाया जाए, तो मुझे लगता है उसमें संदेह नहीं करना चाहिए जी, तभी हिंदी कायम है और हम इतने नहीं। लेकिन एक सवाल और हुआ, सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में आज भी जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है वो अंग्रेजी डोमिनेटेड है चित्रा जी, जी बिल्कुल, और उस अंग्रेजी डोमिनेंस में जो सबसे बड़ी चुनौती सूरीनाम में उठी, जो मैंने पढ़ रहा था कि उसमें हिंदी की को प्राथमिकता देने की बात की जाए, लेकिन आप उसके पास जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आधारभूत ढांचा चाहिए, वो आप लोगों के पास है ही नहीं। तो मैं इस पे एक बात बोल रहा, मैं समझ गया, ये चुनौती जितनी हिंदी, मतलब जिसने ये चुनौती बनाई या तो उसको कंप्यूटर की या संप्रेषण की या टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये चुनौती जितनी हिंदी की है उससे ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी की भी है। हाँ, मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा जी। आप देखिए, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, हाँ। आज के पहले जो बड़े बड़े विज्ञापन बनते थे वो सारे अंग्रेजी में बनते थे, अब आप धीरे धीरे उसमें एक शिफ्ट देखेंगे कि वो विज्ञापन सब हिंदी में बनने लगे, तो ये चुनौती हिंदी की नहीं थी, ये विज्ञापन की चुनौती थी कि हिंदी का जो इतना विराट संसार है उससे देखिए वो मार्केटिंग पे चले गया, तो बाजार की बाध्यताओं की बात, प्रौद्योगिकी का भी जो व्यवसाय है ये उसकी व्यावसायिक चुनौती भी है कि वो हिंदी का जो इतना बड़ा ये है उसमें कैसे अपना कारोबार विकसित करे, कैसे सब तक पहुंचे, क्योंकि ये क्लास भी इन्फ्लुएंस है। देखिए अभी चित्रा जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो रहा है, आज भी अगर कंप्यूटर यूज करते हो तो हिंदी का फॉन्ट बाहर से फ्लॉपी में लाके डालना पड़ता है अगर आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, और एक या दो फॉन्ट के अलावा आपको कंप्यूटर में फॉन्ट ढूंढे नहीं मिलते हैं, और फॉन्ट मिल जाता है तो दूसरे कंप्यूटर पे अगर आप शिफ्ट करें तो वो कंप्यूटर उसको फॉन्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो जो आपने काम किया है उसका प्रिंटआउट तक नहीं ले सकते। ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसके अलावा तमाम इंटरनेट की पेचीदगियाँ हैं जिनको इस प्रोग्राम में नहीं शामिल किया जा सकता। आपको लग रहा है हिंदी के लोग, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन सिर्फ इस चुनौती को खड़ा करके इस चुनौती से लड़ने की बात कर सकता है? नहीं नहीं, इस चुनौती को खड़ा करके नहीं, ये चुनौती सामने है, ये जैसे जैसे अन्वेषण होंगे, जैसे जैसे नई नई चीजें आएंगी, अंग्रेजी के सामने भी वो चुनौती कि उनको किन शब्दों में वो व्यक्त करे, इसी तरह से हिंदी में अभी ये चूंकि अन्वेषण बाहर हुए, इंटरनेट कंप्यूटर है ना, अन्वेषण बाहर हुए, तो अब जब ये यहाँ हमारी भाषा भी उसको चाहती है अपनाना, तो धीरे धीरे उसमें भी सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो चुके हैं, और यही चुनौतियां 21वीं सदी की हिंदी की, इन्हीं चुनौतियों पर सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन आधारित था, और वहां सूचना और प्रौद्योगिकी, वो जो वहां पर प्रदर्शनी भी हुई, सीडेक्स से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर थी, तो उन लोगों ने भी जो भी प्रदर्शन किया वो ये बात मानकर चल रही है कि हिंदी के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा, और बाजार की जहां तक मैं मानती हूँ कि कोई भी भाषा बाजार से जुड़े बिना अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती, मैं बाजार को इससे अलग नहीं कर सकती हूँ, तो बाजार की भाषा, आज जब स्टार ने यहाँ पर कदम रखा था तो आप देखिए कि तब रोमन लिपि में लिखा जाता था, और आज देखिए तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। एक महीप सिंह जी ने मुझसे बातचीत में एक बार कहा, महीप सिंह जी आपको लगता नहीं कि विश्व हिंदी सम्मेलन ने एक बात गायब रखी कि कोई भाषा जो रोजगारोन्मुखी ना हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करती हो, उस भाषा को पढ़ने पठन पाठन में तो अच्छी लगेगी लेकिन लोगों से वो कटती चली जाएगी, तो शायद विश्व हिंदी सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती यही होनी चाहिए थी कि भाषा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है, और इससे तो मुक्त रहा वो विश्व हिंदी सम्मेलन, मुक्त नहीं रहा जी, ऐसा नहीं, वो चिंता भी थी। जब ये चिंता वहां व्याप्त थी, हाँ, कि भाषा को, हाँ, अगर वहां जीवित रहना है तो उसको रोजगारमुखी बनाना पड़ेगा जी, जब हमने ये कहा कि सूरीनाम में एक मानक हिंदी का
व्यापक प्रचार होना चाहिए और उसको वहाँ के शैक्षणिक कार्यक्रम में लगाना चाहिए। तो उसका अर्थ था कि हिंदी पढ़े लिखे व्यक्ति को वहाँ कोई रोजगार भी मिल सके जी, हिंदी के कारण जी। ऐसा करना बहुत आवश्यक है, भारत में भी बहुत आवश्यक है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था। यहाँ पर एक जानकारी देना चाहती हूँ, वो जानकारी है राधिका रेडियो, राधिका दूरदर्शन जो सूरीनाम में चलता है, जिसमें इंदिरा ज्वाला प्रसाद जो पहले वहाँ की संसद की स्पीकर भी रह चुकी, वो बाकायदा हिंदी में कार्यक्रम करती। वहाँ ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो उस कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, तो यानी वहाँ भी वो भाषा का जिस तरह विस्तार हो रहा है, जो थोड़ा ढीला पड़ गया। मैं चित्रा जी बात, शंभू जी मुझको बताइए, जो सवाल का मर्म है जी, आपको लगा कि विश्व हिंदू, माफ कीजिए, विश्व हिंदू परिषद याद आ रहा है, विश्व हिंदी नहीं, विश्व हिंदी सम्मेलन था, विश्व हिंदू सम्मेलन नहीं था, ये तो बिल्कुल अस्पष्ट है। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, असल में देखिए दिक्कत क्या हुई है आपकी, मैं ये और जगहों पे जो हिंदी की स्थिति है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, चित्रा जी ने भी कहा, कि जो अमेरिका में हिंदी की जो स्थिति है, ब्रिटेन में जो स्थिति है, सूरीनाम में जो स्थिति है, उसमें गुणात्मक फर्क हमको करना चाहिए। वहाँ समृद्ध भारत बंसी है, वहाँ मेहनतकश भारत बंसी है, वो यहाँ से ले जाए गए थे बाकायदा, मतलब और एक अनुबंध के तहत ले जाए गए थे, और उनको ये भरोसा था कि अनुबंध समाप्त होने पर वो स्वदेश लौट आएंगे, इसलिए उन्होंने शुरुआती दौर में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि अपनी भाषा और संस्कृत को वहाँ की व्यवस्था में फिट करने की कोशिश करें। उनको लग रहा था कि हमारा ये जो ये है अनुबंध खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपने वापस देश चले जाएंगे, ये नहीं हो पाया, इसलिए इस काम में देर हुई वहाँ के लोगों को जी। लेकिन धीरे धीरे अब वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर इंग्लैंड ने सोचा कि भारत में हिंदी अगर विश्व में बाजार नहीं है तो बीबीसी शुरू नहीं होता, वॉइस ऑफ अमेरिका शुरू नहीं होता, वो लोग भी ये जानते हैं कि ये हमें बाजार दे सकता है, बाजार से भाषा की समृद्धता होगी। ये खैर बहस का विषय है, इस पर कभी फिर घटना चक्र में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको शंभुनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और महिप जी आपका भी, और चित्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व हिंदू सम्मेलन, माफ कीजिए, विश्व हिंदी सम्मेलन से क्या उपलब्धियां होंगी, क्या चुनौतियां निकल कर के आई हैं, इनका समय के बाद, कुछ समय के बाद आकलन किया जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा के लिए या किसी भी भाषा के लिए इस तरह का सम्मेलन होता रहना, ये दर्शाता है कि उस भाषा के लोग जीवंत हैं, चिंतित हैं, और उस भाषा को एक नया आयाम देना चाहते हैं, एक नए सिरे से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। बदलते ही इस युग में हमारी शुभकामनाएं हैं उन लोगों को जो इस काम में जुड़े हैं, सब विरोधों और सब बाधाओं के बावजूद। हम कल फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़।